जो भी सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे और शिकायत लेकर आए थे फर्जी कंपनियों के बारे में, शेल कंपनियों के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में, डोनेशन में, चंदे में गड़बड़ी के बारे में, वो हमने अभी सीबीआई को दे दी है। और मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे डिटेल सामने आ रहे हैं, तो वो भी हम जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं अब उन सबकी जांच होती रहेगी। सर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कितना बड़ा घोटाला हुआ है? उसके डिटेल में दो तीन दिन के बाद दूंगा, तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ। लेकिन आज काले धन के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो भी डिटेल आए थे, जो तथ्य देश के सामने रखे थे, वो सारे के सारे डिटेल और डॉक्यूमेंट्स और सबूत सीबीआई को हम लोगों ने आज दे दिए हैं। हम लोगों ने सीबीआई को सारे डिटेल दिए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आया था, जो ये कहता था कि मैं केवल जनता के पैसे से चुनाव लड़ूंगा, किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं लूंगा, 10-10 रुपए का चंदा लेके चुनाव लड़ूंगा, आज इतिहास के कालचक्र की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, इतिहास ने आज करवट ली है। उस व्यक्ति का सारा भांडा फूट गया है। आज ये पता लग गया है कि वो आदमी ना केवल बड़े बड़े लोगों से करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का चंदा ले रहा था, बल्कि ये भी पता लग गया है कि काला धन, ब्लैक मनी से पार्टी चलाने की कोशिश की जा रही थी, जनता से चंदे का पैसा छुपाने की कोशिश की जा रही थी, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला जा रहा था, वेबसाइट में से चंदे का डाटा छुपाया जा रहा था, यहाँ तक कि फर्जी कंपनियों का एक पूरा रैकेट बनाया गया था, जो फर्जी कंपनियां एक साथ एक ही दिन में रात को 12 बजे करोड़ों रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में भेजती थी। और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया है। वो सारी फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी के विधायकों से जुड़ी हुई, दो विधायकों से जुड़ी हुई साबित हुई हैं। तो एक बहुत गंदा और घिनौना, जनता के साथ, देश के साथ धोखा देने का काम, काले धन का काम और फर्जीवाड़ा, ये करने का पूरा डिटेल देश के सामने आया है और वो डिटेल हमने सीबीआई के सामने रखा है। सारे FIR सीबीआई दर्ज करेगी, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सबूत, शिकायत और हमारी जानकारी में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आज सीबीआई के सामने हमने रखी है। जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में उस दिन डिटेल दिए थे और सबूत दिए थे वो सारे सीबीआई को दिए।